हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में रिएक्ट करने वाले हम छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ डामियान पे। अगर आपको याद हो तो अभी हमने कुछ समय पहले इसके थियोरेटिकल ट्रेलर पे वो किया था, रिव्यू दिया था। अभी फाइनली इसका एक और ट्रेलर आया है और मूवी आने वाली है 31 मई को। फाइनली डेट आ चुकी है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनका फेवरेट कैरेक्टर है इसमें, और इस मूवी में अनुपम खेर भी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इस मूवी में देखने लायक। सोनापुर शहर था सोने का और जादू का। दमयान ने पूरे शहर और सोनापुर वासियों को अपने कब्जे में कर लिया। दमयान, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जा धरती में कैद हो जा। और पूरा सोनापुर धरती के नीचे दब गया। 1000 साल बाद आखिर मैं काल या उस्ताद हूँ, ढोलकपुर का बलवान। तुम तो अभी अभी चूरन सिंह से पिट के आ रहे हो, ज्यादा तो नहीं पीटा। अरे भीम से लड़ने आया हूँ। भीम आता है ना तो हवाओं का रुख बदल जाता है, बिजली खड़खड़ाने लगती है, एक भूकंप आने लगता है। सब कुछ उस भीम के लिए। अरे मैं क्या भीम से किसी बात में कम हूँ? सुना है चरण सिंह ने तुम्हें बहुत पीटा, इसे भी पता चल गया। पसंद आएगी, प्योर बच्चों के लिए टारगेट है ऑडियंस। हर मुसीबत के सामने मैं दीवार बनकर खड़ा हूँ। ढोलकपुर में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कैसा संकट गुरुजी? अच्छा, मकरंद देशपांडे भी हराएगा इंसान, राज करने आएगा अब दामियान। बैटल देखते हैं तुम मुझे कैसे रोकते हो। भीम मेरा बेटा है, वो भागता नहीं, तुम जैसों को भगाता है। जान बचाने के लिए अपनी जान को बेझिझक दांव पे लगा दे, ऐसा वीर बालक सदियों में एक बार पैदा होता है। गाइस, ये था ट्रेलर छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामियान का। 31 मई को आ रही है, बच्चों को टारगेट करके बनाई गई, तो बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है। काफ़ी कुछ उनके लिए है इसमें एंटरटेनिंग, और बड़े एक्टर्स भी हैं तो मूवी को उतना हाइप भी किया हुआ है कि अनुपम खेर भी हैं इसमें वगैरह वगैरह। एनीवेज, आपको कैसा लगा ट्रेलर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कि आप इसको OTT पे देखोगे या थिएटर में जाके देखना पसंद करोगे वो भी जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइबिंग।